कपड़ा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग सर. द पर्सनालिटी हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू इज विपिन शर्मा, ए फिजिक्स टीचर हेलिंग फ्रॉम पटियाला, हैज लॉन्च्ड ए नेशनल वाइड कैंपेन टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ जय विज्ञान जय अनुसंधान एंड एनईपी. एनईपी मीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी. थ्रू हिज लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर इन द कंट्री, Sharma has already been holding seminars on exclusive physics teaching methodology in classrooms. For Bipin Sharma, teaching remains his first love and passion, which he has been pursuing in a missionary zeal. Sharma claims to have imparted free online physics coaching, which has benefited hundreds of students. He has received a number of national and state level awards. He is also recipient of National Award for Educational Excellence. Sharma claims that some of his students has got state level ranks in medical and IIT, including AIIMS first rank. His efforts has been appreciated by top dignitaries of the country, including Bollywood and TV celebrities. He is grandson of a freedom fighter. His free services in teaching continues on his YouTube channel. If you are interested, you can check him on YouTube as Sharma, Vipin Sharma, Vipin Physics. Sharma, Vipin Sharma Physics. You can see the lectures there. He is a very energetic person. He is a retired professor, but he is still a young man of parties. And I hope that this lecture will benefit you, and you will be able to get something or something excellent from Professor Vipin Sharma. Now I request Vipin Sharma to give his lecture and give his advice. To Thank you, Chairman Sinana and the principal man. And above all, the students, respected teachers, कैसे आप लोग? Fine. मरा सा fine बोल रहे हो. कैसे? Fine. ये बात. अच्छा ये बताओ सभी लोग, सभी बच्चे, आप लोग सोचते होंगे कि मैं आपको बोलूँगा सुबह उठो प्राणायाम करो ये करो. नहीं नहीं नहीं, हम लोग कोई कुछ नहीं करने वाले, हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपस में. ठीक है? ओके. यस सर. और झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा. कौवा आज तक काटा मैंने किसी को देखा नहीं. तो जिसके मन में जो भी क्वेश्चन हो वो आपने मुझसे पूछना है. डरना नहीं है बिल्कुल भी. आप ये मत सोचो कि पता नहीं कौन आ गया, कोई भी नहीं. जैसे सर है मैं आपके टीचर है वैसे ही मैं हूँ. ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे ये स्कूल पता है क्यों पसंद है. मैं दूसरी बार आया हूँ. मुझे एक संस्था ने बोला कि उसने एक टेस्ट करवाना है, आपने दिया भी था. तो उस सिलसिले में मैं सर को मिला, मैम को मिला. तो मुझे इनसे बेहतरीन, इतने वार्म एंड इतना मतलब कॉर्डियल आज तक किसी स्कूल में मुझे नहीं लगा. तो सबसे पहले तो अपने चेयरमैन सर एंड प्रिंसिपल मैम के लिए. आपके स्कूल का लोकेशन एकदम से ऐसे फील करता है जैसे मैं मॉडर्न गुरुकुल में आ गया हूँ, है ना? सर को मैंने बोला सर मुझे तो यहाँ हॉस्टल दिखाई दे रहा है और हॉस्टल में बच्चे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं. और ऐसा होगा ना? पक्का होगा. एक फ्रीक्वेंसी होती है फिजिक्स में 369. 369 फ्रीक्वेंसी से ही हम गॉड से कनेक्ट होते हैं. गॉड क्या है? गॉड होता तो हर जगह ही है, लेकिन हमने एक माहौल बना दिया, उसको मंदिर गुरुद्वारे में बंद कर दिया. जैसे क्लास में पढ़ने के लिए सड़क पे तो मैं आपको लेक्चर नहीं दे सकता, इसी तरह से प्रेयर करने के लिए हमें लोग
फिलिप मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे तो परमात्मा सभी में है ना, तो और हर जगह होता है ना। अच्छा, अब आती है बात, हम लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल का मतलब खाली पढ़ाई नहीं होता, स्कूल का मतलब क्या है, हम लोगों ने डिवेलप करना है, हमने डांस भी करना है, हमने गाना भी गाना है, हमने एक्सरसाइज भी करनी है, हमने गेम भी खेलनी है ना, हमने मस्ती भी करनी है, हमने झगड़ा भी करना है, किसी को पंगे भी लेने हैं, झगड़ा पिटाई भी होनी है, होनी है ना। ओके, तो जब आप स्कूल में आते हो तो स्कूल जब बंद होता है, छुट्टी होती है, कितने लोगों का मन करता है यार अभी और होना चाहिए था, हाथ खड़ा करो, ये झूठ नहीं बोलना आपने, सच्ची बात है ना। तो स्कूल में मन लगता है ना आके, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। क्यों है मालूम? क्योंकि आपके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, आपके टीचर्स तो इस तरह से कंडीशन करते हैं, है ना। अब जैसे अभी नीचे एक बच्चे की यहाँ चोट लगी हुई थी, पेन मैम को थी, ऐसे कैसे हो गया, हम कौन है, हम आपके टीचर भी हैं, हम आपके पेरेंट्स भी हैं, हम आपके दोस्त भी हैं, ठीक है ना। अब रही बात, ये कि कितने बच्चों का पढ़ने में मन, बहुत पढ़ने को मन तो करता है, किताब भी उठा लेते हैं, लेकिन वो खुली रह जाती है किताब। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ, मैंने तो दोनों हाथ खड़े किए हैं, ठीक, सभी के साथ होता है, आपने नोट किया है? ऐसा पता क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं, ऐसा इसलिए होता है हम फोकस नहीं कर पाते। जब एक मार्केट, जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन है ना, वैसे तो हम चुप होते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में बहुत नॉइज होता है। जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपने यस नो करना है। जब हम घर जाते हैं, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। एक तो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो दिमाग में चल रहा होता है कि उसने मेरे को ऐसे क्यों बोला है। दूसरा गुस्सा क्या आया होता है, लंच मम्मी ने जो बनाया होता है, वो भिंडी वो आपको पसंद नहीं होती, घिया मीठा वो आपको पसंद नहीं होता, उससे भी गुस्सा आ रहा है। कितने लोगों को हाथ खड़ा कर रहा है। फिर तीसरा आपके दिमाग में क्या चला होता है कि मोमोज नहीं है, कुरकुरे नहीं है, है ना, मैगी नहीं है, क्या है ये खाना मेरे को दे दिया, ठीक। फिर उसके बाद मैम ने किसी को डांट दी होती है, वो चल रही, वो बसने शुरू हुई होती है, फिर आज मैम ने ऐसे बोला जो तू है ही ऐसा, तो वो भी चल रहा होता है ना। उसके बाद भी जब किताब आगे आती है, तो किताब खुली रहती है, फिर हम लोग वहां से डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शायद किताब में मिलती नहीं होंगी, शायद आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है ना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, अब नहीं होता। तो उसका तरीका क्या होता था, मैं पीटीएम होती थी, तो जैसे ही मेरे पीटीएम होनी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाते, तो मैं अंदर से बहुत डर रहा होता था कि पता नहीं क्या क्या शिकायतें लगेंगी। अब उस वक्त जब हम पढ़ते थे, तो हमें पहले मारते थे, फिर बोलते थे तुम्हारी गलती क्या है, और आज तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग, है ना, ये गलत है। जिसकी पिटाई नहीं ना होती, उसको नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। वेरी गुड, गर्मी हो जाती है। और स्कूल में अगर मैम कुछ कह दे, तो फिर मम्मी आके स्कूल में मैम को बोलेगी, देखो हमारे बच्चे को ऐसे मारा आपने, और हमने अपने बच्चे को यहाँ से चेंज करवा लाया है। ये भी होता है ना, ये क्यों होता है, मम्मी जो मारते हैं, ठीक है, वो भी बात है ना, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता चो। तो मैम ने अगर एक लगा दिया, फिर तो मम्मी को गुस्सा आ गया कि मेरे बेटे को छुआ कैसे, और मम्मी चाहे दांत दांत तोड़ दे। बेशक रात को हम लोग भी जब डांटते हैं, पीटते हैं, तो हम भी रात को सोते नहीं है, यार मैंने अपने बच्चे को क्यों ऐसा किया।
लेकिन पिटाई तो होनी ही चाहिए। मेरे एक संस्कृत के टीचर होते थे गांव में, अगर कोई डंडा ना मारे ना वो किसी को तो उसके मार्क्स नहीं आते। मैं स्पेशल डंडा खाने जाता था, सर एक डंडा तो लगा लो। बोलते तो ऐसे क्यों, मैं कभी मार्क्स आएंगे, जैसे वो झाड़ा नहीं देते नजर उतारने वाले। तो बेटा ऐसा है, जो पेरेंट्स है ना उन्होंने तो आपको जन्म ले दिया, असली पेरेंट्स तो ये है जो आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं। तो आप खुद ही बोल दिया करो कि मैम मुझसे ये गलती हुई है, डांट ही दो मेरे को। झूठ नहीं बोलना किसके साथ, टीचर। हाँ क्लास में मत बोलो, अलग से बोलो कि मैम मेरी मेरे को मन नहीं कर रहा पढ़ने को, आजकल मेरा बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। आपको पता है आप दिखने में छोटे रहो लेकिन आपको अकल हमसे भी कई बार जा रहा है। कितने लोग अपने दादा दादी को गूगल पे यूट्यूब पे ये दिखाते हो, अब कौन पढ़ा लिखा हुआ, आप हुए दादा दादी, आप हुए ना, तो कहीं कहीं आप ज्यादा पढ़े लिखे हो कहीं दादा दादी। कितने लोग अपने पापा को गूगल पे मैप पे रास्ता बताते हो कि पापा इधर से इधर जाओ, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें आपका जो नॉलेज कंटेंट है कई बार आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा है, हाँ ना? बोर तो नहीं हो रहे? बता देना मेरे को, मैं हमने मेरे को बोला कि टाइम कम है तो फिर हम देखेंगे, टाइम कम ही रहेंगे। अब अगली बात, मैं आपको खाली ये नहीं बताऊंगा कि बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई कैसे करो। अब बेसिक्स फंडामेंटल क्या होते हैं इस पे बहुत सुनने को मिलता है, नाइन्थ वाले बच्चे हाथ खड़ा करो, मिलता है ना कि बेसिक्स, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है जी। हाँ जी, ये बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, ये डाइवर्ट होता रहता है, ये क्लास में बैठा होता है, ध्यान इसका कहीं और होता है। जो जो हम टीचर्स को डांट मिली होती है वो हमने स्टोर की होती है, वो याद को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। बेटा सबसे पहले तो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जरूरी नहीं वो आपका तरीका भी हो। मेरे को किसी का मोनिका मैम तो नाम तो नहीं है ना, मेरी मोनिका मैम थी चंडीगढ़ में, वो मेरे को बहुत मानते हैं। तो जब मैं सिक्स क्लास में पढ़ता था तो बहुत पीटते थे मेरे, उस वक्त स्पेयर द रॉड स्पॉयल द चाइल्ड ये पॉलिसी चलती थी कि अगर हमने डंडा नहीं उठाया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। आज की डेट में इफ टीचर ये फॉलो कर ले तो टीचर को स्पॉयल कर दिया जाता है, ठीक। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया यार, भी मेरे को बिना मतलब के कई बार तो फॉल्ट मेरा था, आई वॉज वेरी नॉटी स्टिल, तो मेरे को डांट मिलती। मैंने घर में एक बोर्ड लगाया ऐसे मार्क करने का, चौक वाला, ठीक है, बोर्ड भी नहीं था, पेंट होता है काला पेंट लाके ना बाजार से ब्रश मार के, घर के पीछे एक आंगन के बैक पे प्लेन दीवार उस पर लगाया और वहां पर एक सीट पे बच्चे को बैठाया, उसका नाम रखा मोनिका, और मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और जोर जोर से मारना, ठीक। उससे फायदा क्या हुआ, जो सब्जेक्ट जो टीचर मेरे को पढ़ाता था उसी को मैं अपना स्टूडेंट बना लेता था, और जो उन्होंने मेरे को पढ़ाया मैथ्स मैथ्स वाला था, केमिस्ट्री साइंस साइंस वाला, इंग्लिश इंग्लिश वाला, उससे क्या हुआ, एक तो मेरे अंदर का टीचर जागना शुरू हो गया, जैसे जागरण में माता नहीं आती ऐसे टीचर आना शुरू हो गया। ऊपर से जब मैं खुद को पढ़ाता था बोल बोल के मेरी कॉन्सेंट्रेशन बननी शुरू हो गई, मैं फोकस होना शुरू हो गया। ओके बेटा, अब बाहर आ जाओ मेरे पास, इधर आ बेटा, डरता क्यों है, बहुत प्यारा बच्चा। तुम्हारा नाम क्या है? श्रेया, श्रेयसी, श्रेयसी मान लो तुम पैदा हुए हॉस्पिटल में, तेरे को उठा के मैं ले गया, अब तू मेरे पास रही, बड़ी हुई, स्कूल की फीस भी मैंने दी, मेरी गाड़ी में जाके तेरे को आइसक्रीम भी खिलाता था, चॉकलेट सब कुछ, पिज्जा भी,
तू मेरे को पापा बोलेगी ना? तूने अपने पापा को देखे नहीं, नहीं देखे ना? अगर कभी मैं कांगड़ा आया तो सच में तुम्हारे ओरिजिनल बायोलॉजिकल पापा है मिल गए, मान लो वो मेरे को जानते हैं, तुम उनको क्या बोलोगे अंकल? यही बोलेगी ना? क्यों? क्योंकि तू मेरे को रोज देखती है, तेरे को लगेगा यही मेरे पापा है, वो तो मिले नहीं, इसका मतलब तू मेरे को डेली रिवाइज कर रही है ना, तभी मेरे को याद रह गया ना। वाइज ऑलवेज रिवाइज। तो जब तुम रिवाइज करोगे ना बेटा डेली, तो सब्जेक्ट आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ये अनफॉरगेटेबल हो जाता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। अब क्या है, हमारे देश में बोलते हैं ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ता है याद हो जाता है। झूठ झूठ झूठ। किसी का नाम याद हो सकता है, इसको मार्कर बोलते हैं ये याद हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा जो कंटेंट है आपका वो बेटा नहीं याद हो सकता। इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? वाइज ऑलवेज। अब आप बोलेंगे सर ये तो होमवर्क बहुत होता है। कुछ नहीं होता होमवर्क, ये आपका ब्रेन में चल रहा है कि होमवर्क बहुत होता है, क्योंकि आप मेंटली पढ़ रहे होते हो लेकिन पढ़ नहीं रहते। आप क्लास में छुट्टी हुई दो घंटे आप खेल रहे हो तब भी आपका ब्रेन पढ़ाई में लगा हुआ है, पढ़ नहीं रहे हो। आपको पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ते तो तब जब एक्चुअली आप बुक उठाते हो, तो आप मेंटली थक जाते हो, तो ब्रेन से ही सारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो हम थके थके महसूस करते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से एक रूल बनाओ, 1 आवर आगे जाने ही नहीं, 1 आवर डेली हमने रिवाइज करना है। करोगे? यस सर। मैंने बोला ना, मैंने वो चीजें आपसे शेयर करनी है जो किसी यूट्यूब पे नहीं मिलती। हाँ, अगर 11 12th होता तो मेरा लेक्चर कुछ डिफरेंट होता। अब आप छोटे बच्चे हो, 10 मिनट 9th के जरूर मैं लूंगा, बाद में 8th है 9th। तो समझ आया कुछ? यस सर। अब एक और बहुत खतरनाक बात मैं करने जा रहा हूं। जिस भी स्कूल में जाता हूं वहां पर मुझे चेयरमैन प्रिंसिपल सर यही बोलते हैं, मैनेजमेंट वाले जी बच्चों को इंटरनेट ने बच्चों का ना जी बेड़ा गर्क कर दिया, ये इंटरनेट है, ये पूछो मत, कोविड में बच्चों का बेड़ा गर्क हुआ है। मान लीजिए कोविड है, मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, तो क्या होता बताओ? क्या नाम है आपका? अरे यार इस स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे कंडीशन की यहाँ पे, नहीं कई जगह बोलते हैं नहीं, चुप रहते हैं। बिल्कुल, इट मीन्स टेक्नोलॉजी जो है अगर हम उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे, है ना? रह जाएंगे ना? यस सर। तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना हमारे बेनिफिट में है कि नहीं? यस सर। अब मैं एक स्कूल में गया, वहां संस्कृत के प्रिंसिपल थे हिमाचल में, बड़े स्ट्रिक्ट। उनको बोलने लगे आप क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा जी मैं फिजिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं कहा भौतिक विज्ञान। अच्छा इसमें क्या है? मैंने कहा जी ये है। ज्यादा नॉलेज है आपको? मैं कहा जी पता नहीं। चलो बताओ चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी कितनी है? और मेरे को कहा बता फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट पूछो मैं बता दूं। मेरे को नहीं यार, अब पटियाला से कांगड़ा 225 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है, ये तो कोई नॉलेज नहीं ना, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। अब तुम 14 साल के या 10 साल के, ये इन्फॉर्मेशन है। इतने दिन पेवन आ गया, कोई मिलने आ गया, मैंने गूगल से देखा वहां से नोट करके, मैंने कहा सर इतनी कथा, आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है। लॉजिक क्या है? टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ग्रोथ देती है। सर बैठे बैठे रात को ऑटोमेटिकली सबकी सैलरी ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट से, है ना? बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको 9 बजे 10 बजे आपको पैसा चाहिए, आप ATM पे जाके निकाल सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर उसके लिए गूगल पे है। ऐसे इंटरेक्ट करो मेरे साथ, आई रियली लव इट। उसके लिए गूगल पे है, पेटीएम है, भीम है, UPI है, बहुत कुछ है। फोन पे आल्सो बहुत कुछ है। पैसे की बात कितने खुशी से सुनते हैं आप। ओके तो बेटा चलो ये मैं आपसे बात करने वाला हूँ, पैसे की भी करूँगा। सबसे पहले एक लड़का है कार्तिक, मैं उसको स्पेशली मिलने जा रहा हूँ दिल्ली के पास, गुड़गांव के पास एक सिटी है छोटा सा झज्जर। 11 साल की उम्र में उसने 3 ऐप बना दी कोविड में, सुना आपने? नो। तो मैं उसको मिलने जाऊंगा,
11 साल की एज में 3 ऐप बना दी। उसके पिताजी भैंस का दूध बेचते हैं, कहते जी मैं 7,000 रुपये का इसको एक मोबाइल लेके दिया। कोविड में इसने कोडिंग सीखी और इसने ऐप बना दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको एज स्टूडेंट ले लिया। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ ने मना किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको ले लिया। तो ये कौन है? इंटरनेट का कमाल है कि नहीं? तो उससे आप भी तो प्रेरित हो सकते हो। हमारे देश में इंटरनेट का मतलब क्या है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। अब ये कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इससे ग्रोथ कहाँ से होगी? यूट्यूब से होगी आपकी, गूगल नॉलेज से होगी। तो सभी बच्चे प्रॉमिस करोगे? Yes, sir. एक नोटबुक खरीदेंगे और यूट्यूब से जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है उसका सर्च मार के नोट्स बनाएंगे। करते हैं ऑलरेडी। वाह ग्रेट। आंसर तो देखते हैं, फिर भी आप अपना एक पर्सनल ट्यूटोरियल बनाओ। बहुत पहले द्रोणाचार्य, जानते ना द्रोणाचार्य? तो एक लव्य उनके पास गए और बोले कि मैंने सीखना है, मना कर दिया। आपको पता ही है कहानी की। सर क्योंकि वो राजाओं के बेटे को सिखाते थे। अब एक द्रोणाचार्य ऐसा है वो हर एक के बच्चों को सिखाते है, उसका नाम है यूट्यूब बाबा। YouTube किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, राजा हो, रंग हो, कोई हो, YouTube पे जाओ, सर्च मारो। आप सर्च करोगे विपिन शर्मा फिजिक्स डालोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। प्ले लिस्ट में जाओगे, आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चाहिए, सर वेक्टर चाहिए, मोशन इन वन डायमेंशन चाहिए, सब मिल जाएगा, है ना? सर अगर गेम सीखनी हो तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। आई लव इट। व्हाट्स योर नेम? सूर्य राजपूत। सूर्य ऊपर से राजपूत, डबल डबल है तो सूर्य ऊपर से ब्लैक राजपूत। ठीक भैया, ऐसा है सुनो, गेम्स के बारे में बात करता हूँ। मैं एक जगह गया, नाभा एक जगह पटियाला के पास, वहां गांव के बच्चों की तोंद निकली। तो वो क्या करते हैं, स्कूल से घर गए, कोई पबजी कमांडर है, ओके, वो उस पे फंसे रहते हैं। बेटा गेम खेलो, फिजिकल खेलो, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, राइट? जिसमें सर लूडो है, कबड्डी, कबड्डी है, लूडो एसेट्रा, वो उसमें फिजिकल वर्क नहीं है, उससे बेटर चेस है। तो आप बहुत फिट रहोगे और उसके बाद आपके बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपका फूड हैबिट्स जो है वो ये मोमो से, कुरकुरे से, कुरकुरे खाओगे कुरकुरे जैसी शक्ल हो जाएगी। कभी कभी तो चलता है, कभी कभी, लेकिन यू हैव टू टेक वेरी गुड डाइट, है ना? और वो डाइट कहाँ मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपकी लाइफ में? और यस, माँ से बेटर कोई टीचर नहीं होती, माँ से बेटर कोई डॉक्टर नहीं होता, माँ से बेटर कोई ज्योतिषी नहीं होता, और माँ में सब कुछ ही होता है। समझ आया? Yes, sir. आप घर पहुंचो, आपकी मम्मी को पता होता है कि ये मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन इसको मैडम ने साइड में करा कर दिया, और सेंटर में जो लड़की कर रही है इससे बेटर नहीं है, और जो सेंटर वाली बच्चा कर रहा है उसकी मम्मी बोले कि मेरी बेटी सबसे अच्छा कर रही है। हर एक बच्चा हर एक माँ बाप के लिए स्पेशल है, ओके? और जो माँ बाप है, मदर पर्टिकुलरली, उनकी हमेशा सुना करो, वो हमेशा कभी आपको गलत गाइड नहीं करेंगी अगर वो मदर है तो। और मदर ही बताएंगे कि टीचर का रिस्पेक्ट कैसे होता है, बिकॉज वो आपके बायोलॉजिकल मदर है। असली जो आपको नॉलेज देते हैं, हम लोग चाहे उम्र में बड़े हो छोटे हो, हम भी आपके पेरेंट्स हैं, राइट? तो बेटा हाउ टू कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे? खुद को पढ़ाओगे, ठीक है? और सब्जेक्ट का रिटेंशन कैसे होगा? रिवाइज।
अब एक चीज मैंने और नोट की है, जब हम पढ़ते थे एक राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ करता था, और आजकल ये कॉम्पिटिशन ओके राइटिंग यू मस्ट डू, लिख के जरूर देखा करो। जब हम लिखते हैं ना तो ये है जुपिटर का फिंगर, दिस इज जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, ये प्लैनेट्स हमारे हाथ में होते हैं। तो ये जुपिटर, माउंट ऑफ जुपिटर, ये सैटर्न, ये सन, ये मरकरी, दिस इज वीनस, दिस इज मार्स, दिस इज मून, तो ये हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। तो जब हम लिखते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस आती हैं, ये पूरी की पूरी जो साइंस है ये वाइब्रेशंस की है, फ्रीक्वेंसी की है, समझते हो? तो आप लिख के जरूर देखा करो, राइटिंग शुड बी गुड। मैंने नोट किया बच्चों का राइटिंग बहुत खराब है, am I right teachers? तीसरी मैंने इंपॉर्टेंट चीज नोट किया है, आप होमवर्क की कॉपी को कचरा समझते हैं? नहीं समझते? गलत इंफॉर्मेशन है फिर। होमवर्क कॉपी शुड बी वेरी गुड, डेट पेन से, रेड पेन से स्केचिंग ऑफ फिगर शुड बी वेरी गुड, इससे आपका एक पूरा पर्सनालिटी डिफाइन होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। आर यू गेटिंग? यस सर। अब अगला पॉइंट ये है एग्जाम फोबिया, कितने लोगों को होता है? जैसे कल एग्जाम है और ये कितने लोगों को एग्जाम फोबिया होता है कि मैं बीमार हो जाऊं, मेरे को उल्टियां लग जाए या मेरे को चक्कर आए, हाथ खड़ा करो ऐसे। क्यों डरते हो इससे? आपको सिर्फ इसलिए डर लगता है, आपको सिर्फ इसलिए डर लगता है कि आपकी बेइज्जती ना हो जाए। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो जब क्लास में मैम पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि तुम्हारे 3 आए हैं आउट ऑफ 50 और तुम्हारे 49 आए हैं आउट ऑफ 50, और जो 49 वाला बंदा है वो 3 वाले को बहुत बुरा लगता है और 3 वाला स्माइल करता हुआ जाता है, नहीं 49 वाला है ना। एक चीज बताओ, अभी भी एक मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला था, उससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें विराट कोहली ने अच्छा खेला था। तो कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी ओके है, जब हम बुरा परफॉर्म करते हैं तो हमने देखना है कि हमने कहां गलतियां की है ना, तो उसको खुद रेक्टिफाई करो, टीचर का हेल्प लो। इंसान गलती का पतला है, मालूम है, टेडी बियर है, गलतियां तो हम करेंगे, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कहां से? 16 कला संपूर्ण तो कोई हुआ ही नहीं आज तक, भगवान कृष्ण थे वो भी गलती कर लेते थे, क्या मक्खन चुरा लेते थे, ठीक है ना, आप भी चुरा लिया करो मक्खन, खाया करो राइट, तभी तो तुम्हारा नाम राजपूत है भाई। सो वेरी नाइस स्टूडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इंटरनली बनाना? आपके मम्मी पापा शिव जी और पार्वती, अब हुआ क्या, वो बंदा बोल के चला गया चिड़गांव, एक जगह हिमाचल में -10 डिग्री टेम्परेचर होगा उस एरिया में, वहां नेगी साहब थे वो सो रहे थे, सुबह 4 बजे बच्चा उठा, तांबे के लोटे में पानी भर के पापा के सर पे डाल दिया। वो बोलने लगा तेरे को किसने सिखाया? कहते एक सर आए थे, वो बोल के गए थे पापा शिव जी है, मम्मी पार्वती है, सुबह सुबह शिव जी साक्षात पड़े हैं तो यही जल चढ़ा देता हूँ। वो कहता यार रात मैंने आधी बोतल पी तो नहीं थी, उतार दी नशा की, मतलब कहने का ये है कि भगवान तो हर जगह आपको नॉलेज है, यूट्यूब पे हर जगह मिलेंगे, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे जो प्रैक्टिकल है, am I right? Yes, sir. तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग परसेंटेज के चक्कर में फंसे हुए हैं कि ये टॉप किया, इसको ये मिला, इसको वो मिला, है ना, मिलते हैं ना,
यार ये इसको भूल जाओ। अब मैं यहाँ आया हूँ लेक्चर देने, मैं सोचूं कि मैंने ये पढ़ना है, ये कागज ला के देखूं, आई वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर अ लेक्चर, है ना। मैं पीता रहूं, मैं लेक्चर बहुत नेचुरल होना चाहिए, ये लेक्चर नहीं है, मैं दिल से बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। आप बहुत बहुत ईमानदार होते हो। जब हम छोटे होते थे गाना चलता था, बच्चे मन के सच्चे सारी जबकि हम के तारे, जो जो इनकी उम्र बढ़े मन में मैल, तो ये मैल घड़ी डिटर्जेंट पाउडर से साफ करते हैं। ओके सो दोस्त, परसेंटेज के ऊपर एक बात करते हैं। मार्क्स कम आया है ना, घर जाके बोला यार मेरे मार्क्स आज कम आए, क्यों क्यों क्या हुआ पता नहीं, आज बैड लक है। ये दो चार शब्द होते हैं जिससे हम कॉम्पनसेट हो जाते हैं। कौन सा लगता है? बैड। मैंने पढ़ाई तो की थी बट आई कुड नॉट डू माय बेस्ट। मम्मी भी खुश, पापा इंग्लिश बोल दिया। मैं कई बार जाता हूँ पंजाब, तो पंजाब पुलिस वाले रोक लेते हैं रात को 1:30 बजे मेरे घर पे। यस ऑफिसर, बेसिकली आई एम अ फिजिक्स टीचर, आई एम कमिंग फ्रॉम हिमाचल। ओके जी, चल इंग्लिश बहुत हेल्प करती है। मम्मी पापा के पास गए, डैड टुडे इज नॉट अ गुड डे, आई हैव अ बैड लक, आई गॉट 3 marks out of 20 इन मैथ्स, नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जिस दिन अच्छे हो उस दिन जरा रोब डाल दिया करो, थोड़ा कुरकुरी खाने में ना। लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, बैठे बेटा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो सच बोलने का, रियलिटी से मत भागो, झूठ कोशिश करो मत बोलो, किसी का फायदा हो तो बोल दो, अदरवाइज पेरेंट्स से मत छुपाओ, टीचर से मत छुपाओ। तो मेरे साथ एक लाइन बोलोगे, नेवर नेवर हाइड एनीथिंग एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम टीचर टीचर डॉक्टर डॉक्टर लॉयर लॉयर मदर मदर फादर फादर और बोथ और बोथ। अब बेटियां पापा से ही बात करती हैं और बेटे मम्मी से, है ना। और मैं बहुत चलाक था, मेरी मम्मी की दादी के साथ नहीं बनती थी, जब मैंने दादी से पैसे लेने थे मम्मी की पढ़ाई कर देता था, मम्मी से लेने थे दादी के, तो डबल मनी स्कीम चलती है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से मत छुपाए। अब परसेंटेज की बात है, अब एक बार में उसने अच्छा परफॉर्म किया, एक बार नहीं किया, तो इट हैपेंस। तो मेरे साथ लाइन बोलोगे, मीनिंग ना समझ आए तो पूछना। परसेंटेज, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक वर्ड होता है कैटालिस्ट, कितने लोगों ने सुना है। जब हम वेजिटेबल ऑयल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? घी, घी बनता है ना। ओके, तो कैटालिस्ट कौन है? निकल। निकल इज एन एलिमेंट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन and unchanged in its mass and composition. Quantity of matter contained in a body. अब जैसे ये pen है, ये suppose करो 20 gram का है, तो the quantity of matter इसमें 20 gram and that is called mass. It does not change. It remains same throughout the universe. Weight change करता है, जैसे weight कांगड़ा में अलग है, धर्मशाला जाएंगे अलग है, मैक्रोन में जाएंगे, क्योंकि gravity change करती है height के कारण। Okay? So my dear students, कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं नेगेटिव। अब शुरू करें। यस सर। परसेंटेज, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ वन्स इंटेलिजेंस। विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं चला, एक में चला, इसका मतलब विराट कोहली कि जो काबिलियत है वो मैच के स्कोर से तो नहीं जुड़ी हुई ना। मतलब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलेगा, है ना। तो परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ वन्स इंटेलिजेंस, हाउएवर इट डिटरमाइंस वन्स हार्ड वर्क, वन्स हार्ड वर्क, कोई कितना मेहनत करता है उसके बारे में। अच्छा भाई, तो 95% है इस बच्चे ने बहुत मेहनत की, ठीक है। अब अगला पॉइंट, वन One learns through one's own observation. मैं आपको जितना चाहूँ उतना लेक्चर दे दूँ, जितना चाहूँ मैम सर आपको समझाएं, समझ तो बेटा तभी आएगी जब भाई खुद सोचोगे कि मैंने समझना है ना। Yes,
1 that is 2 ones on. A teacher. A teacher is. Is. However. However. A positive catalyst. A positive catalyst. Who increases. Who increases. Rate of observation. Rate of observation. Similar. Yes sir. तो ये daily अपने mind में रखना है. रिस्पेक्ट से क्या होता है, रिस्पेक्ट से हमारे अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है, उसका नाम है एंडोर्फिन. अब कहते हैं ना ब्लेसिंग्स दो जी, मुझे आशीर्वाद दो. आज मैं एग्जाम दे रही हूँ. दही चीनी इसलिए खाते हैं, चीनी में C12H22O11 ग्लूकोज फ्रक्टस होता है, उसमें एनर्जी मिलती है. जब हम एग्जाम जाते हैं हमें ब्रेन को बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए दही में लैक्टोज होता है. तो ये सब हमारा जो सनातन धर्म है, ये बेसिकली साइंटिफिक धर्म है. सनातन धर्म हिंदू का नहीं है, सिख का नहीं है, सभी का है, ये साइंस है. तो इसमें यही सिखाया जाता है. फर्क इतना है, बताते नहीं है आप, हम बताएंगे आप, मिलता रहूंगा मैं आपको. तो वेरी गुड पॉइंट, दही चीनी इसलिए खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है. कई बार पंडित जी बोलते मेष राशि वाले सुबह पानी पी के गुड़ खा के घर से जाए. सुबह पापा कितने बाप के दो होंगे, पापा राशि देखते हैं आजकल टीवी के, देखते हैं ना वो राशि फल में, वो भी सब साइंटिफिक चीजें होती है. राइट, एनवायरनमेंट हमें चार्ज करता है. जैसे हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट है, सामने रिवर है, ग्रीनरी है, पॉल्यूशन नहीं है, तो ये हमें चार्ज करता है सीखने को, यहाँ मन लगता है ना. यस सर, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है. ठीक, तो बेटा ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे प्रैक्टिकली डिस्कस किया. हाउ टू कंसंट्रेट क्लियर हुआ? वाइज ऑलवेज. रिवाइज ये भी क्लियर हुआ? झूठ बोलेगा तो कौन काटेगा? कौवा. आज तक काटा मैंने देखा नहीं, दाना बदलेंगे. झूठ बोले कुत्ता काटेगा. आज तक किसी हॉस्पिटल में मैंने कौवा काटे हुए केस तो देखे मैम, आपने देखा तो बताया. ओके, अगला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट, क्या टीचर के साथ खुल के बात करो. जैसे मोदी जी रेडियो पे मन की बात करते हैं ना, आप टीचर के साथ साइड में जाके, मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही और मैंने पढ़ना आपसे है, एक मैम की प्रेज कर दिया करो. मैम आज तो आप बहुत गजब लग रहे हो, वाह वाह वाह. मैम खुश हो जाएगी, बेटा और अच्छा पढ़ाएंगे. राइट, अगर आप मैम को ऐसे देखोगे अमृशपुरी की तरह के, इसमें मेरी बेइज्जती की थी कल और सारा दिन बस में गलियां मारते जाएंगे. गलत. हमारे मास्टर जी होते थे लक्ष्मण दास गाँव में, वो बहुत मारते थे, सबसे ज्यादा मारते थे. उनको कोई विश नहीं करता था, गाली कर देते थे. तो मैंने बोला मास्टर जी ऐसा क्यों है आप? कहते यार अब मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मेरे अंदर प्रोग्राम ये डाला गया कि मैथ्स का टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है. बट आज की डेट में टीचर से बेस्ट कोई दोस्त नहीं है, टीचर से बेस्ट कोई पेरेंट नहीं है. आप टीचर से जब तक पूरी इक्वेशन नहीं बनाओगे, बॉन्डिंग नहीं बनाओगे. बॉन्डिंग विद द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर होता है, प्रेशर किस चीज का होता है? सिलेबस टाइम पे खत्म कर देना. ठीक, कई बार हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता, फिर उसका तरीका क्या है? टीचर से आप एक्स्ट्रा टाइम लो और आपका टीचर आपको कभी मना नहीं करेगा. यूट्यूब से हेल्प लो, यूट्यूब में वही चीज देखो. अब यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बिगड़ने, अब मेरे को बिगड़ने के चांस बहुत बन सकते हैं. मैं अकेला घूमता, मैं कहीं भी जाऊंगा, ठीक है ना. इस रूम में ऑक्सीजन लेवल एक जैसा है ना, लेकिन हम सब लोग अलग अलग ऑक्सीजन ले रहे हैं, मालूम है क्यों? तो बताएगा सर, कोई इनहेलेशन ले रहा, कोई एक्सहेलेशन. नहीं, इनहेलेशन होगी तो एक्सहेलेशन होगी, अगर इनहेलेशन हुई एक्सहेलेशन नहीं हुई तो गए ऊपर. सर कोई ब्रीदिंग कर रहा है, कोई तो ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग का मतलब ही इनहेल एक्सहेल होता है ना भैया. अगर एक्सहेल ही हो गया तो बंदा गया. ऑक्सीजन बराबर है सभी के पास, लेकिन ले अलग अलग रहे हैं, ऐसा मतलब. चलो लंग्स भी सबके बराबर काम कर रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन अलग अलग है, बताओ क्यों? आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया? यस सर. हेमोग्लोबिन चेक किया? यस सर. अब कराना है. अगर किसी का हेमोग्लोबिन 4 है तो उसको ऑक्सीजन ही 4 मिलेगी, जिसका हेमोग्लोबिन 14 है उसको 14 टाइम्स 3-4 बनना पड़ेगी. तो जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे. अभी कुछ दिन पहले आपका एचबी कल ही हुआ टेस्ट, यहां पे हुआ था, फिर आपको पता नहीं आपका एचबी कितना है.
करवाया था नहीं, बताया था नहीं, नहीं करवाया था। छोटे बच्चों को तो HB जिसका ज्यादा है वो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेगा इंजन में पावर ज्यादा आएगी, पिकअप ज्यादा होगी, फॉर्मूला वन गाड़ी बन जाओगे आप। समझा? वैसे मेरे मेडिकल साइंस फील्ड नहीं है लेकिन नॉर्मल 7 से बिलो नहीं होना चाहिए। 7 वाले आपने देखे नहीं कहीं सुबह उठ के जनगण मन उठा बच्चे गिर जाते हैं, वो हेमोग्लोबिन कम होता है, फिर उसको चीनी या चॉकलेट खिलाते हैं। इसको इसकी गलती हमारे पेरेंट्स की है, हमारी समाज की है, हमारा माल वो न्यूट्रिशन जो है ना वो हमारे न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर। वी शुड हैव टू टेक द प्रॉपर डाइट। खाओगे नहीं तो अच्छा कहाँ से काम कर पाओगे भैया बताओ, कर पाओगे? अगर मैंने ब्रेकफास्ट ना किया हो तो मैं लेक्चर दे सकता हूँ आगे, मैं मन से बोलूंगा, है ना। तो इसी तरह से क्लास में आप लोग जो पढ़ते हो तो आपका एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग कैसे आएगा, क्या खाया आपने, तो ऐसे से करेगा राइट। और नींद कितने घंटे लेते हो, सच बताओ? मैंने देखा है कई बच्चे सारा दिन सोते रहते हैं फिर भी थके रहते हैं, और कई बच्चे 3-4 घंटे या 5 घंटे सोते हैं उठते हैं फ्रेश हो जाते हैं। नींद एक हैबिट है, नींद एक हैबिट है, वो आप अपने आप को कितना फ्रेश रखते हो ये उस पर डिपेंड करता है। कई बच्चे बोलते हैं मैं थक गया हूं, ये शब्द नहीं होना चाहिए आपके पास। जो हार्डवर्क क्या होता है, जिसको आप एंजॉय ना करो। मैं 10 घंटे काम करूं मैं थकता नहीं हूं, बिकॉज आई लव माय प्रोफेशन एंड लव माय वर्क, तो वहां से मुझे एक एनर्जी मिलती है। अब मान लीजिए मेरे को बायोलॉजी नहीं अच्छी लगती, आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, या मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आई एम वेरी गुड इन बायोलॉजी, तो मैं 15 मिनट बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता। मैथ्स मेरे को अच्छा लगता है तो मैं 2 घंटे मैथ्स कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं तो वही हूं ना। तो टेस्ट जो बन जाते हैं उसमें कई बार मन की बातें हमारी नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन करनी पड़ती। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी डिस्कशन हमने जनरल से की क्योंकि मैंने वो लेवल रखा है जो आपका है, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? कभी इस तरह का सेशन लिया आपने? सर कैसे है? खड़ी हो, क्या अच्छा लगा इसमें? अब तूने तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। मैम आप लोगों ने सुना? यू वाज देयर, तो आपने सुना? मैम चलो बाद में करते हैं डिस्कस, बट हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ये क्लियर हुआ? यस सर। हाउ टू फोकस कॉन्सेंट्रेट ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? परसेंटेज से डरना नहीं है ये क्लियर हुआ? यस सर। एग्जाम से भागना नहीं है ये क्लियर हुआ? यस सर। वाइज ऑलवेज रिवाइज ये क्लियर हुआ? यस सर। राइटिंग पे स्ट्रेस देना ये क्लियर हुआ? यस सर। टीचर के साथ बॉन्डिंग बनानी है ये क्लियर हुआ? यस सर। बस ये बोल देते हैं। हां सर, रिस्पेक्ट वो तो आप सब कुछ कर दो तो रिस्पेक्ट भी है, उसका क्या फायदा? काम कहना मोड़ना नहीं, धक्का तोड़ना नहीं, ठीक है ना। रिस्पेक्ट क्या होती है? रिस्पेक्ट यही होती है कि जो आपको टीचर काम दे वो करके लाओ, वर्किंग कर। हाँ, टीचर के पास जाओ, बोलो कि मैम मैं कल 3 घंटे पढ़ा, मेरे को नहीं याद हुआ, आई एम सॉरी मेरे को नहीं याद हुआ, तो मैम आपको डेफिनेटली विल टेल सम हाउ टू यूज इंटरनेट यूट्यूब, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अभी मैं आपको एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ सर। एक संस्था है, उस संस्था ने सर मैम अगर आ जाए, इसका वीडियो बना लेंगे।